हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का जो बायोलॉजी सेक्शन का हमने लाइफ प्रोसेस में जो टॉपिक स्टार्ट कर रखे थे उसमें एक्सक्रीशन पेंडिंग था बच्चों, तो उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम बच्चों न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ चुके बच्चों। मीन्स अब क्या है कि न्यूट्रिशन में हमने ग्लूकोज की जो हमने खाना खाया था उसका डाइजेशन हुआ और डाइजेशन के बाद जो सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड खा वो क्या था, ग्लूकोज। रेस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ, ब्रीथिंग, और उसमें हमने O2 को लिया। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड ने क्या किया, ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया हर एक सेल टिश्यू के पास। अब सेल और टिश्यू, किसी भी पर्टिकुलर सेल में वो ग्लूकोज वो ऑक्सीजन जाके क्या होगा, उसका फर्दर रेस्पिरेशन होगा, मींस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी निकलेगी और वहां से क्या निकलेंगे, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट उनको बोलते हैं, तो वो वापस से एक रेस्पिरेटरी वेस्ट निकलेगा CO2 और एक मेटाबॉलिक वेस्ट मींस यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट इसको बोलते हैं, तो वो दोबारा से ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड क्या करेगा, उनको किडनी के पास लेके जाएगा और किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है हमारे ब्लड। एक बार मैं सर्कुलेशन समझा देता हूं आपको। ये हमारा हार्ट था, अब हार्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उससे ब्लड निकला, कुछ हमारे अपर बॉडी पार्ट को गया, मींस एरोटा निकली थी ब्लड लेके, उसके अंदर पार्टीशन हो गए, कुछ जो है कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करेंगी, मींस हार्ट हमारा इतना काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली बीटिंग उसकी चल रही है, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, तो कोरोनरी आर्टरी जो है एरोटा से बाइफर्केट होके और हार्ट की जो लेयर होती है मींस मायोकार्डियम, वहां पर क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी ताकि हार्ट को भी अपनी वर्किंग के लिए एनर्जी मिलती रहे। अब बच्चों आगे एरोटा, एक तो कोरोनरी आर्टरी में, एक जो अपर बॉडी पार्ट के लिए, एक लोअर बॉडी पार्ट के लिए। अब लोअर बॉडी पार्ट में क्या, पहले किसको सप्लाई करेगी, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। अब ये स्टमक इंटेस्टाइन से ब्लड लेके किसको जाएगी, लीवर को, और इनको बोला जाता है हिपेटिक वेन। अब बच्चों आगे ये ब्लड जो है वो जाएगा कहां, किडनी के पास फिल्टर होने के लिए, और जो ब्लड जाके आएगा सेल्स के थ्रू होके आएगा, मींस बॉडी पार्ट को होके आएगा, और ये सारा जो है कंबाइन हो जाता है कंप्लीटली, और जो ऊपर से आएगी, तो ये क्या थी, IVC, इंफीरियर वेना कावा। तो बच्चों हमने देखा जो ब्लड निकला था ऑक्सीजन लेके वो स्टमक में जाएगा इंटेस्टाइन, वहां से क्या उठाएगा, ग्लूकोज उठाएगा, देन लीवर के थ्रू हिपेटिक वेन, तो इसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, देन वो किडनी से भी पास करता है, सेल्स को भी सप्लाई करके आता है। तो जब किडनी से वो पास करेगा ब्लड, जब किडनी के अंदर फिल्टर होगा, तो वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से नाइट्रोजिनस वेस्ट जो यूरिया है उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है, और किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है बच्चों वो क्या होती है, नेफ्रॉन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक वर्ड आता है न्यूरॉन, और यहां पर हमने पढ़ा नेफ्रॉन, दोनों ही क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन किसकी,
हमारे नर्वस सिस्टम की। नेक्स्ट जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो वहां पर हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, नेफ्रॉन की। तो न्यूरॉन जो यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हमारी नर्वस सिस्टम की, और नेफ्रॉन जो है वो किसकी, किडनी की। दूसरा बच्चों मैं आपको बता दूं, रीनल वर्ड जो आ जाए वो डिनोट करता है किसको, किडनी को। तो रीनल वर्ड जहां पर भी आ जाए वो करेगा डिनोट किसको, किडनी को। जैसे कार्डियक मैंने आपको बताया था किसको, हार्ट को। गैस्ट्रो हमारे स्टमक को। तो बच्चों हम पढ़ेंगे अब एक्सक्रीशन के बारे में, कि किस तरीके से, मींस रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से किस तरीके से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, तो वो पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन के अंदर। और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलेंगे, विच इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर और एक यूरिनरी ब्लैडर और देन लास्ट में क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। अब बच्चों हम यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले किडनी के बारे में। तो पेयर ऑफ किडनी मींस जो ब्लड को क्या करेगी, फिल्टर करेगी। और यहां पर हम पहले पढ़ेंगे किडनी का डायग्राम और उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम, जो कि एक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, किडनी की। और उसी के थ्रू जो है ब्लड फिल्टर होता है। देन हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम डायग्राम पढ़ लेते हैं किडनी का। तो बच्चों कॉपी पेंसिल साथ में रखो और साथ साथ आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम आपको आना चाहिए, तो साथ साथ बनाओगे बच्चों। तो किडनी इज ए बीन शेप स्ट्रक्चर, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, बीन आपने देखी होगी। और ये जो नोच दिखाई दे रही है, ये जो नोच आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हाइलम। तो एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, जो इसको कवर करती है होल किडनी को, तो इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड डिनोट करेगा किसको, किडनी को। अब बच्चों ये मैंने आपको बताया था जो ये नोच होती है यहां पर, इसको बोलते हैं हाइलम। इसके थ्रू क्या होता है, एक तो यूरेटर जो यहां से यूरिन लेके निकलेगी वो, और दूसरा रीनल आर्टरी और वेन वो यहां से एंटर करती है। रीनल आर्टरी जो है ब्लड लेके जाएगी और वेन जो है फिल्टर्ड ब्लड को लेके वापस एग्जिट करेगी। तो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन जो यहां पर हम देखेंगे, और यहीं से क्या होती है, एक यूरेटर।
ब्लड लेके जो या सॉरी यूरिन लेके जो एग्जिट करेगी यहां से, अब ये तो हमने बाहर से देख लिया बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बाहर से जो दिखाई दे रहा, अब अंदर मींस हम इसका एलएस ले रहे हैं, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हम लेते हैं उसका, तो हम देखेंगे कि अंदर उसके किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है अरेंज होता है। अब किडनी बच्चों दो पार्ट में जो है डिवाइड होती है, मिडल पार्ट को जो बोलते हैं वो मेडुला और पेरिफेरल पार्ट को जो है रीनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। सबसे आउटर बच्चों लेयर क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल। देन हम जो ये पेरिफेरल पार्ट है, ये पेरिफेरल पार्ट आगे मैं आपको बताऊंगा जब नेफ्रॉन का डायग्राम हम करेंगे तो वहां पर ग्लोमेरुलस आएगा मींस बोमेन कैप्सूल, उसकी जो ओपनिंग मींस आर्टरी और वेन है जो मेन यहां पर मिलेगी हमें, तो इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो मेडुला मिडल पार्ट जो होता है, तो ये जो लोब प्रेजेंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मेडुलरी लोब। आप बच्चों बीच में देखो ये जो लोब हमें दिखाई दे, इनके बीच में स्पेस है, इनको रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोला जाता है, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब ये है क्या बच्चों, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये क्या बच्चों, यूरेटर मीन्स जो किडनी से यूरिन कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ड्रेन करती है, और ये जो हमें यहां पर जो ये एंट्री पॉइंट है ना इनका बच्चों, इसको बोला जाता है क्या, फाइलम। ये होता है बच्चों ये जो कॉमन पॉइंट है जहां पर जितने भी ये कैलिक्स हैं, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स मींस जो इनकी ओपनिंग होती है रीनल लोब की, उसको क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है कि ये जितने कैलिक्स हैं वो कंबाइन होते हैं, उसको बोला जाता है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस
यहां पर ये जो दो तीन कंबाइन होते हैं इसको बोला जाता है क्या, मेजर कैलिक्स। तो बच्चों सबसे आउटर कवरिंग होती है, इसके ऊपर जो है ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिनको एड्रेनल ग्लैंड जो है बोला जाता है। कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इनके ऊपर प्रेजेंट होता है। आगे जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर नाम आएगा एड्रेनल ग्लैंड और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन, और एक हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन जिसको बोला जाता है एड्रेनलिन, वो यहीं से रिलीज होता है बच्चों, तो वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये है बच्चों किडनी का डायग्राम, जो आपको बनाना आना चाहिए अच्छे से, आप फेयर नोटबुक में इसको प्लेस करोगे और ये जो लेबलिंग है वो भी साथ में आपको याद होनी चाहिए। तो रीनल पेल्विस जहां पर ये कैलिक्स मींस जो यूरिन फिल्टर होके आएगा वो यहां पर कलेक्ट होगा और पेल्विस से ही ओपनिंग होती है जिसकी बच्चों यूरेटर की। देन जो एंट्री पॉइंट होता है, जो ये नोच प्रेजेंट होती है किडनी के अंदर, इसको बोला जाता है क्या, हाइलम। ये आर्टरी और वेन है जो ब्लड लेके आती है और ब्लड लेके जाएगी, और जो कवरिंग होती है उसको रीनल कैप्सूल। ये जो यहां पर लोब जो प्रेजेंट हैं इनको रिनल मेडुलरी लोब, क्योंकि मेडुला मिडल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और साइड वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिनल कॉर्टेक्स। तो बच्चों ये डायग्राम आपको अच्छे से फॉर्म करना है, डायग्राम आपको अच्छे से आएगा तो उसी के बाद जो है आप आगे समझ पाओगे। अब साथ में हम डायग्राम पढ़ लेते हैं किसका, नेफ्रॉन का। मींस जो ये आपको ये लाइन दिखाई दे रही ना बच्चों, यहां पर नेफ्रॉन प्लेस है एक तरीके से, ये नेफ्रॉन यहां पर आगे हम पढ़ेंगे, इस तरीके से नेफ्रॉन यहां पर सिचुएट करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ये तो हमने किडनी का पढ़ा, अब और अंदर जाते हैं और अंदर की तरफ कैसे नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं उनको देखेंगे। तो नेफ्रॉन का डायग्राम और साथ में हम करेंगे, इस वीडियो में हम डायग्राम ही करेंगे, डायग्राम के जो पार्ट हैं कौन सा पार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है वो आपको अच्छे से मालूम होगा, तभी उनकी फिजियोलॉजी आप अच्छे से पढ़ पाओगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है बायोलॉजी के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कौन सा पार्ट कहां है और उसका फंक्शन क्या है, यही जो है इंक्लूड होता है। तो अब दूसरे पेज पे आप बनाओगे बच्चों साथ में डायग्राम किसका, नेफ्रॉन का। बच्चों ध्यान रखना यहां पर जो जिस तरीके से बनाया जा रहा है, इस साइड से जो एंट्री होगी वो माउथ
जो एफरेंट आर्टरियोल जिसको बोलते हैं वो जो है वाइड होना चाहिए और ये यहाँ पर नैरो होना चाहिए, ताकि इसका आगे हम देखेंगे इसकी मेन फिजियोलॉजी क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये माउथ जो है वाइड है और ये नैरो है। मींस यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, मींस प्रॉपर फिल्ट्रेशन के लिए, ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए जरूरी होता है। तो बच्चों ये डायग्राम होता है किसका, नेफ्रॉन का। अब देख लेते हैं इसकी लेबलिंग कि कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। सबसे पहले तो ये जो आर्टरी ब्लड लेके इस वोमेंस कैप्सूल के अंदर आती है इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरियोल। और जो फिल्टर होगा ब्लड वो इसके अंदर हो जाएगा, बाकी जो बच गया उसको लेके जो निकलेगी उसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल। ये होता है बच्चों वोमेंस कैप्सूल। और यहां पर जो कैपिलरी नेटवर्क होता है, कैपिलरी नेटवर्क और साथ में वोमेंस कैप्सूल, तो ये है कैपिलरी नेटवर्क, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों ग्लोमेरुलस, जो ये कंबाइन होके इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब बच्चों वोमेंस कैप्सूल से जस्ट नीचे की तरफ आते हैं तो ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे आगे की तरफ पढ़ते हैं ये पोर्शन होता है लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग पार्ट, ये असेंडिंग पार्ट। लूप ऑफ हेनले बच्चों इसको नैरो रखना है, क्योंकि यहां पर जो है रीएब्जॉर्प्शन जो स्टार्ट हो जाती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है यहां पर स्टार्ट होता है। तो बच्चों ध्यान रखना लूप ऑफ हेनले को आपको क्या रखना है, नैरो रखना है। अब ये पोर्शन आता है इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये होती है बच्चों कलेक्टिंग डक्ट, जो यूरिन फॉर्म होता है उसको कलेक्ट जो करती है। तो कलेक्टिंग डक्ट जो है कॉमन होती है काफी सारे जो है इनकी वोमेंस कैप्सूल की और नेफ्रॉन की हम बोल सकते हैं। तो बच्चों ये नेफ्रॉन, इसके हमने देखा यहां पर किस तरीके से कैपिलरी नेटवर्क बनता है कि ब्लड आएगा यहां पर फिल्टर होगा और जो बच गया रिमेनिंग उसको क्या किया जाएगा लेके निकलती है कौन सी इफेरेंट आर्टरी। अब बच्चों आपको बता दें एक दिन में जितने भी जो ये ग्लोमेरुलस, जितने भी वोमेंस कैप्सूल, जितना भी ये कैपिलरी नेटवर्क हमारी दोनों किडनी के अंदर प्रेजेंट है, तो इनमें एक दिन में 180 लीटर ब्लड जो है फिल्टर होता है। अब टोटल कितना होता है, 5-6 लीटर ब्लड होता है टोटल। तो मतलब देख लो दिन में वो कितनी बार जो है यहां से फिल्टर होके जाता है। तो एक दिन में 180 लीटर। और यूरिन फॉर्म कितना होता है, 1.5-2 लीटर। मींस 180 से 1.5 या 2 लीटर जो है यूरिन फॉर्म होता है, मींस फिल्ट्रेशन होगी और उसको उसके अंदर जो असेंशियल मटेरियल है उनको रीअब्सॉर्ब करके वापस से ब्लड में डाल दिया जाएगा। यहां पर फिल्ट्रेशन होती है वो बल्क में होती है। तो ये जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों हमने डायग्राम पढ़े इसमें किसके, किडनी के और नेफ्रॉन के, इनके पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए बच्चों। ये जो कैपिलरी नेटवर्क होता है और साथ में वोमेंस कैप्सूल, ये कप लाइक स्ट्रक्चर,
इस तरीके से इसके अंदर जो है कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के जस्ट पास जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल पी से प्रॉक्सिमल है, पी से पास में, याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डी से डिस्टल, डी से दूर जो बनाते हैं, तो डिस्टल जो थोड़ा सा दूर है इससे, तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और नीचे की तरफ लूप ऑफ हेनले, और लास्ट में जो रिमेनिंग सब्सटेंस जो भी बच जाएगा, मीन्स लास्ट में जो यूरिन बचेगा उसको कलेक्ट करने के लिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कॉमन प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो किडनी का और नेफ्रॉन का डायग्राम आपकी फेयर नोटबुक में हो बच्चों, और साथ साथ आपको दो तीन बार इनको बना के भी देखना है, तभी आपको डायग्राम बनाने आएंगे। 5 मार्क्स में जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम। सो टेक केयर एंड थैंक यू।